यहाँ बैठता, तीन दिन यहाँ बैठता कर्मचारी। ले भाई से भी आग्रह है कि जाकर के देख लीजिए, मनोहरपुर कछवाड़ा गेस्ट हाउस का बोर्ड लग गया है। पे पेंशन पे घोटाला था, वहाँ पे जितने भी तमाम तरह की विकास की योजना जो सरकार के द्वारा भेजी जा रही थी, वो ब्लॉक लेवल पे घोटालों का शासन चल रहा था। तो इन सबको चुनौती देने के लिए अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करता है, तो इस हिम्मत का साथ देना हमारा दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। तो उस दायित्व और कर्तव्य को हम निर्वहन करने के लिए एक सच होकर के बोलिए, मुट्ठी बनेंगे ना हम लोग, एक सच होकर के मुट्ठी बनेंगे। ये जब उंगली अलग अलग होता है ना, तो उंगली कहलाता है। जो हो रहा था, जिसमें अभी फिलहाल रोक लग गया है, उसका सभी आप लोग करता धरता है, सेनापति है आप लोग। इस सभा का आयोजन करने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि आप लोग जो पवन भैया का ताकत बने थे, पवन भैया हमको खड़ा किए थे, बोले थे, मतलब चेहरा तो मेरा था मगर विचारधारा पवन भैया का था, आप लोग का विचारधारा था। जिस तरह दलाल वलाल जो भी लोग हैं, आप लोग सुन रहे थे, संपत चक नगर परिषद का चुनाव एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था पवन जी के द्वारा। कोर्ट का आदेश और सरकार का आदेश पब्लिक को पता नहीं चल रहा है, कार्यकर्ता को पता नहीं चल रहा है कि आखिर सरकार का आदेश क्या होगा, कोर्ट का क्या आदेश होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संपतचक नगर परिषद के अध्यक्ष पवन जी हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। सवाल कुछ तीखे होंगे, कुछ मीठे भी होंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जो अभी संपतचक ब्लॉक में जो धांधली चल रही है, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे इनके मुंह से सुने, और हकीकत यही है संपतचक ब्लॉक का, ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। कुछ दिन पहले आप लोगों को एक बिट पहले तो पवन जी आपका आप तक सच न्यूज में स्वागत जी। धन्यवाद। क्या उद्देश्य लेकर आप निकले हैं सर? मेरा उद्देश्य सीधा है, जनता का कार्य सीधे सरकारी कर्मचारी के द्वारा हो, बीच में कोई दलाल ना हो, जितना भी दलाल है उसको हम बाहर करने का कार्य करने का बीड़ा उठाए हैं, और करके ही हम रहेंगे। आप दलाल को बाहर करिएगा, डर नहीं लगता है कि आप पर FIR फिर हो जाएगा? हम इसके पहले भी राजनीति कर चुके हैं, और 5 साल हम प्रमुख रहे हैं, और हमारा जो घर का जो इतिहास है वो पॉलिटिकल इतिहास है, और कितना FIR हमारे पर हो चुका है, वो अभ्यस्त हो गए हैं FIR का, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है, अभ्यस्त हैं FIR खाते खाते हम अभ्यस्त हो गए हैं, सुनने कोई असर नहीं पड़ता है, FIR होगा नहीं होगा सोचते ही नहीं है। संपतचक ब्लॉक के जो अंचला अधिकारी हैं निराला जी, उनका कहना है कि हमारे ऊपर मंत्री जी का छाया है, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उस पर आपका कैसे आप उसको जीत के आएंगे तब वो ये बात बुलवाइएगा, CEO साहब रहेंगे चाहे हम रहेंगे तुम क्यों। क्या संपतचक ब्लॉक में जो गलत तरीके से पब्लिक लोग को परेशान किया जा रहा है, क्या ये चीज़ बंद होगा आपको आने से? मेरी प्राथमिकता है इसी को बंद करना, नहीं बंद करेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम राजनीति करने के लिए हम चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम सेवा करने के चुनाव लड़ने आए हैं, नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा हम दे देंगे, हमको पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे रोड भी है संपतचक या ये नया चक बैमान टोला, ये सब जगह चैम्बर रोड का बहुत सारा ऐसा गंदगी है, रास्ता नहीं है, पब्लिक लोग को परेशानी है, आपका पहला जीतने के बाद आपका उद्देश्य क्या होगा इस पर? जीतने के बाद हम पहले तो समीक्षा करेंगे, क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं, कितना अधिकार मुझे मिले हैं, उसके बाद समीक्षा के बाद हम जीतने के बाद इस विषय पर हम बात करेंगे। तो आप लोग सुन रहे थे पवन जी का कि हम जीतने के बाद क्या क्या उद्देश्य लेके आएंगे, और क्या क्या जो जनता के परेशानी हो रही है उस चीज़ को हम परेशानी को समाप्त करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये बोले हैं कि संपतचक ब्लॉक में जो धांधली हो रहा है उस सबसे पहले ख़त्म होगा, चाहे कितना बड़ा भी वो मंत्री का सपोर्ट हो उससे कोई फर्क ना हो, धांधली करप्शन बंद होगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।
थैंक यू।